हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट्स। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हिना हेयर पैक। इसे लगाने से बालों में बहुत ही अच्छा कलर आता है, जितने भी ग्रे हेयर है वो कवर हो जाते हैं और बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ये हमने एक सॉसपैन ले लिया है, इसमें एक गिलास पानी डाल दिया हमने। इसे बॉयल करेंगे हम, और बॉयल आने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल देंगे, जो हमारे घर में अवेलेबल होती है। चाय पत्ती में उबाल आ गया है, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून के जितना कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। कॉफ़ी पाउडर से बहुत ही अच्छा कलर आता है बालों में, और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम छन्नी से छान के रख लेंगे अलग। ये एलोवेरा की लीफ ली है हमने, इसे जेल निकाल लेंगे हम। और जेल निकालने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका फाइन प्यूरी बना लेंगे। और ये जो एलोवेरा जेल है, इसका हम 4 to 5 टेबल स्पून डालेंगे मेहंदी में, जिससे कि अच्छा पेस्ट बन जाए। और ये VLCC का नेचुरल हिना लिया है हमने, आप कोई सा भी नेचुरल या हर्बल हिना ले सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ मैं 4 टेबल स्पून हिना ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, आपके हिसाब से। ये 1/2 टीस्पून लौंग का पाउडर डाल देना है इसमें, लौंग से भी बहुत अच्छा कलर आता है बालों में। अब इसमें एलोवेरा और चाय पत्ती का पानी डालकर हम अच्छा पेस्ट बना लेंगे। और हाँ, जिस दिन आप मेहंदी लगाएंगे उसी दिन आपको शैम्पू से हेयर वॉश नहीं करना है। इवनिंग में अच्छे से ऑयलिंग करनी है, कोई सा भी ऑयल यूज करके, और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू से हेयर वॉश करना है। मेहंदी को अच्छे से घोल लेना है, जिससे कि लंप फ्री मिक्सर बने। ये मेहंदी अच्छे से घुल चुकी है, और ये जितनी गाढ़ी है उतनी ही रखनी है, और इसे ढक के हम रात भर रख देंगे। नेक्स्ट डे इसमें हम 1 टेबल स्पून दही डालेंगे और 1 नींबू का रस, और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे हम। ओवरनाइट रखने से मेहंदी में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है। आप अगर समय नहीं है आपके पास तो 4 to 5 आवर्स के लिए भी रख दे, वो भी इनफ है। अब इसका एप्लीकेशन हम अपने बालों में करेंगे, पूरे स्कैल्प में, हेयर लेंथ में, और सभी जगह अच्छे से करेंगे, जिससे कि जितने भी ग्रे हेयर है वो कवर हो जाए। और इसे लगाने के बाद 4 to 5 आवर्स के लिए या फिर 3 आवर्स एटलीस्ट रखना है अपने बालों में, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। और इसे लगाने के बाद एक शावर कैप यूज करिएगा ज़रूर, जिससे कि मेहंदी ड्राई ना हो, नहीं तो बाल ड्राई हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हिना की पैक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दे, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बाय।